अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ जॉब्स अपडेट एंड एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, मेरा नाम है इम्तियाज़ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ जॉब्स अपडेट एंड एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो है इत्तेफाक कॉलेज ऑफ नर्सिंग के बारे में। इत्तेफाक कॉलेज ऑफ नर्सिंग की जो पहली मेरिट लिस्ट है वो डिस्प्ले हो चुकी है, तो आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ बात करेंगे। इत्तेफाक कॉलेज ऑफ नर्सिंग की जो मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हुई है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर शेयर करूँगा, आप लोगों के साथ वो भी आप लोगों को दिखाऊँगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोग तक बरवक्त पहुँच सकें। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास इत्तेफाक कॉलेज ऑफ नर्सिंग की जो मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पर मौजूद है, तो मैं आप लोगों को वो वाली लिस्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जी, ये लिस्ट है हमारे पास इत्तेफाक कॉलेज ऑफ नर्सिंग की। अगर आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ इसमें तो आप लोग भी यहाँ पर अपना नाम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जी, ये है इत्तेफाक कॉलेज ऑफ नर्सिंग की। ये 14 तारीख को जो है ये लिस्ट जो है वो डिस्प्ले हुई है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जेनेरिक बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर डिग्री प्रोग्राम सेशन 2023-2024 शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू। यानी ये वाले जो है ना स्टूडेंट्स, ये वाले स्टूडेंट्स शॉर्ट लिस्ट हुए हैं और इनके नेक्स्ट इंटरव्यू होंगे, तो आप लोगों ने इंटरव्यू में लाजमी जाना है। अगर आपने अप्लाई किया हुआ है और आपका नाम इस लिस्ट में शामिल है तो आप लोगों ने लाजमी जाकर यहाँ पर अपना इंटरव्यू देना है। तो यहाँ पर आप लोगों आपका फॉर्म भी है, यहाँ पर फॉर्म रिसीविंग नंबर भी है, यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों का जो एप्लीकेंट का नेम है वो भी है, फादर का नेम भी है, यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैं स्क्रॉल कर देता हूँ तो आप लोग यहाँ पर अपना नाम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं स्क्रॉल करता जाता हूँ, आप लोग चेक कर सकते हैं। आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर भी ये वाली जो लिस्ट है मुझसे ले सकते हैं। आप लोग मेरा व्हाट्सएप का नंबर जो है वहाँ पर मुझे मैसेज करना है और आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड भी कर दिया जाएगा, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँगा व्हाट्सएप का, तो आप लोग मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप में भी ये मैं लिस्ट शेयर कर दूँगा। तो मेरा जो नंबर है व्हाट्सएप ग्रुप का वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 0307-7534-565। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप लोग मेरा जो है ग्रुप व्हाट्सएप का वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, 0307-7534-567। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, तो आप लोग मेरा जो है ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग अपना नाम देख सकते हैं जी, ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पर भी आप लोग अपना नाम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग अपना नाम चेक कर लीजिएगा, तो अगर आपका नाम इस लिस्ट में शामिल है तो आप लोग इंटरव्यू में ज़रूर जाइएगा। तो इत्तेफाक कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये स्टाइपेंड भी देता है मंथली, इनका जो है वो 10,000 का इनका जो है वो स्टाइपेंड भी मिलता है स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जी, यहाँ पर नेक्स्ट फिर हमारे पास जो अगले स्टूडेंट्स हैं वो अपना नाम यहाँ पर देख सकते हैं जी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जी, ये फॉर्म नंबर 66 से शुरू हो रहा है, 66 से इनका जो फॉर्म रिसीविंग इनका जो नंबर है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जी। यहाँ पर फॉर्म नंबर 4-23-10-56 और यहाँ पर आप लोग अपना नाम भी देख सकते हैं जी। तो अगर आपका नाम आया है इधर तो आप लोग इंटरव्यू में ज़रूर जाइएगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। जिनके एडमिशन्स नर्सिंग के कॉलेजेस में नहीं हुए, 44 जो सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस में उनके एडमिशन नहीं हुआ, तो वो स्टूडेंट्स इधर अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक और भी लिस्ट है हमारे पास, वो भी हम देख लेते हैं जी। ये दो जो हैं वो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्टें डिस्प्ले हुई हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जी। यहाँ पर ये जो फॉर्म नंबर है 670 से शुरू हो रहा है, 670, तो यहाँ पर आप लोग अपना नाम देख सकते हैं जी। मज़ीद मैं ये लिस्ट जो है वो व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर कर दूँगा और आप लोग वहाँ से भी ये लिस्ट मुझसे ले सकते हैं। तो आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरा जो यूट्यूब का चैनल है उसको सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक बरवक्त पहुंच सकें। तो अगर आप लोगों का जो है वो जो एडमिशन नर्सिंग के जो 44 नर्सिंग के कॉलेजेस हैं वहां पर नहीं हुआ, तो आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग इत्तेफाक कॉलेज ऑफ नर्सिंग को ज्वाइन कर लें। अगर आपने नर्सिंग करनी है तो आप लोग इत्तेफाक कॉलेज ऑफ नर्सिंग को भी ज्वाइन कर सकती हैं, लेकिन इत्तेफाक कॉलेज ऑफ नर्सिंग का ये है कि यहाँ पर 4 ईयर्स की जो बीएसएन है वो करने के बाद आप लोगों को
मज़ीद वहाँ पर 4 साल के लिए फिर वहाँ पर आप लोगों को जॉब करना पड़ती है। इस बाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग में 4 साल फिर आप लोग उसी कॉलेज में जहाँ से आप लोगों ने नर्सिंग की होगी वहाँ पर आप लोगों ने मज़ीद 4 साल के लिए वहाँ पर जॉब करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जी, ये वाले स्टूडेंट्स के नाम हैं। तो अगर आप लोगों का नाम भी है इस लिस्ट में तो आप लोग इंटरव्यू के लिए लाजमी जाइएगा। तो ये हमारे पास दूसरी लिस्ट थी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स की, ये तमाम लिस्टें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। तो इसके बाद फिर जो है आप लोगों की फ़ाइनल मेरिट लिस्ट हो लगेगी तो वो भी इंशाल्लाह मेरे चैनल के ऊपर शेयर कर दी जाएगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों तक बरवक़्त पहुँच सकें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।